नमो अहंकारम नमो सिद्धारम नमो आर्यानम नमो अध्यायानम नमो लोये सब साहूलम शुद्धात्मान मणिकांतम साधमत्तम मंगलम वंदे संदष्टि सिद्ध्यर्थम संदष्ट्यर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंदकुंदाद्योजैन धर्मोस्तु मंगलम। नमः श्री वर्धमाना निर्धूत कलिलात्मने सालोकानाम तलोकानाम यद्विद्या दर्पणायते मंगलमय मंगलकरण वितराग विज्ञान नमोता याते भई अरहंतादि महान। ओम नमः ओम नमः ओम नमः। चाहे स्वाध्याय हो चाहे भक्ति हो, परिणाम के माध्यम से ही फल देती है। भगवती आराधना में या मूलाचार में प्रस्तावना में एक कथन आया, धार्मिक क्रियाएं धार्मिक अनुष्ठान भी हमारे परिणामों के माध्यम से ही फल देती हैं। भक्ति से फल नहीं होगा। पंडित टोडरमल जी ने सातवां अधिकार में लिखा, बिना परिणाम के तो नाम लेने वाले का भला नहीं होता, सदगति नहीं होती, सुनने वाले का क्या होगा। बिना परिणाम नाम लेने वाले का भी भला नहीं होता तो सुनने वाले का तो क्या होगा। कुत्ते आदि को जो अमुकार मंत्र आदि सुनाया जीवंधर कुमार ने, या बैल को सुनाया, तो उस सुनते समय उसके परिणामों में मंदता आई, इसलिए सदगति हुई है। सात तत्वों में मोक्ष तत्व भी प्रयोजनभूत है, क्योंकि मोक्ष को नहीं पहचाने बिना काय के लिए आत्मा का आश्रय करेगा, काय के लिए भेद ज्ञान करेगा, काय के लिए स्वाध्याय करेगा, करेगा काय के लिए, कोई साध्य जीवन में नहीं है। तो भैया एक हलवाई बुलाओ कल, एक मैं एक 10 क्विंटल की पूरी तो बनाओ, काहे के लिए बनी, को आए रहो, को खाए हो, अरे बनाओ तुम, अरे ऐसे कैसे बनेगा। और अगर मान लो इस प्रकार का कोई आयोजन होना है तो हमें नहीं कहना पड़ेगा, आप खुद करोगे। पंडित जी ऐसा करे, एक हलवाई बुला ले, सब इकट्ठो बनो जा, तो पक्को भोजन बनवा दे सब काहे, अरे वो अपन करना है ना। अरहंतादि की भक्ति हो चाहे स्वाध्याय हो, चाहे दान हो, दान देने में पात्र भला नहीं करते तुम्हारा। जैसे मुनिराज को आहार दान दिया, तो मुनिराज ने तुम्हें स्वर्ग नहीं पहुंचाया। दान देते समय तुम्हारी परिणामों में जो मंदता आई, लोभादि की मंदता हुई, श्रद्धा हुई, भक्ति हुई, उल्लास हुआ, उस परिणाम से तुम्हारा भला होगा। बंध मोक्ष परिणामन सो ही, चाहे इस कथन को किया जाए, चाहे भला बुरा परिणामन सो ही इस कथन किया जाए, दोनों एक ही है। बंध माने बुरा, मोक्ष माने भला। तो बंध मोक्ष परिणामों से कहें या भला बुरा परिणामों से कहें या सुख दुख परिणामों से कहें, एक ही बात, तीनों में एक ही अंत। अरहंतादिक से प्रयोजन सिद्धि में टोडरमल जी ने स्पष्ट लिखा, प्रकरण क्या है, अरहंतादिक से हमारे प्रयोजन की सिद्धि कैसे होती है, और कथन क्या किया, जीव के परिणाम तीन प्रकार के होते हैं। वाह, इसका मतलब है कि जिन परिणामों से जीव का भला होता है, प्रयोजन सिद्धि माने सुख की सिद्धि होती है, वह परिणाम प्राप्त होने में अरहंतादिक निमित्त होते हैं, तो निमित्तादिक की अपेक्षा से अरहंतादिक से प्रयोजन सिद्धि होती है, ये कहा जाता है। जब जीव के अपने वितराग परिणाम से मोक्ष हो, शुभ परिणाम से स्वर्गाधिक हो, तब अरहंतादिक निमित्त हैं। अरहंतादिक निमित्त का मतलब अरहंतादिक के आकार का अवलोकन करना,
स्वरूप का विचार सुनना, वचन सुनना, निकटवर्ती होना, ये निमित्त होते। निमित्त होते हैं, तुम ही निमित्त कारण इलाज, उपादान नहीं है ये। और सवेरे भी कहा था भैया, बाह्य कारण से कार्य की सिद्धि की उम्मीद मत करना बिना आप अपने पुरुषार्थ। सुनने का महत्व तो नहीं है, सुनते समय हमारे परिणाम कैसे हैं उसका महत्व तो है। पूजा का महत्व तो नहीं है, पूजा करते समय हमारे परिणाम किधर है विचार करो। पूजा करते समय यदि लौकिक कामनाओं की पूर्ति का परिणाम है तो क्या पुण्य बनेगा है। पूजा करते समय तुम्हें अभिमान का परिणाम है, अंगूठियां पहन ली और जंजीर डाल ली और सोने चांदी के बर्तन रख लिए और बादाम स्पेशल निकाल कर रख लिए सबरे और बस बढ़िया पंखा ऊपर से चला दिया। देखे हैं हमने, देखे ये सब प्रसंग आए है माली फलाना करना एक हाउ बाबू जी और वो आया, उसने झट से वो रख सब इंतजाम कर दिया, पंखा चालू कर और वो नहा धो करके खूब पानी फानी पी करके आए और पसीना पहुंचते जा रहे हैं और बस बढ़िया पूजा कर रहे हैं। क्या फल होगा बताओ, और क्या फल हुआ। कई लोगों को आपने कहते सुना होगा जीवन भर धर्म करो कछु नहीं फल नहीं करो, उसका मतलब कारण ये है धर्म की क्रिया तो करी लेकिन उस समय परिणाम कहांगा ये पता नहीं। पूजा कीनी वरदान मांग, मैं दान दियो अभिमान ठान, क्या फल मिलेगा, क्या फल मिलेगा। तो भैया भक्ति क्या स्वाध्याय, दोनों परिणाम की विशुद्धि का निमित्त है। भक्ति में भी भगवान खुश होकर के तुम्हारे कार्य की सिद्धि नहीं करते, दान देने में भी पात्र खुश होकर के तुम्हारा भला नहीं करते, तुम्हारे परिणामों से ही तुम्हारा भला होता है। और समय यदि अभिमान आदि के परिणाम हो गए, मायाचारी के परिणाम हो गए, कलुषता के परिणाम होंगे तो बुरा भी होगा, ध्यान रखना। समय करते करते भी यदि आर ध्यान हो जाएगा तो मेढक बनेंगे सीढ़ी, समय करते भी अगर आर ध्यान हो गया पानी 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 तो मेढक बनने में देर नहीं लगेगी, मेढक बनना ही पड़ेगा। भक्ति करते समय भी यदि परिणामों में कलुषता आ गई तो परिणाम को दुर्गति होगी, रोक नहीं पाएगा कोई। स्वाध्याय करते हुए भी यदि इसी प्रकार से अभिमान आ गया, पंडिताई का मद आ गया, गुरुओं का अनादर भाव आ गया, उपेक्षा भाव आ गया तो ध्यान रखना ये ज्ञान तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। कहीं का नहीं छोड़ेगा। तुम सोचते भले रहना हम कछु कर रहे हैं, क्यों, पर का तो न जीव करता है न पर का भोगता है, अपने परिणामों का ही करता होता है, अपने परिणामों का ही भोगता होता है। निमित्त की अपेक्षा अपने परिणामों से होने वाले कर्म को करता होता है और कर्म के फल का भोगता होता है, और बहिरंग की अपेक्षा से है जो काम करता है उसके फल को भोगता है। तुमने बनाया तुम अब उसके आनंद को भोगो आराम से रहो। शास्त्र में क्या दिया है, कुछ है उस, अरे कुमार घड़ा बनाया और फिर वो उसी में पानी धर के ठंडा करके आराम से पिएगा, उसने जो पड़िया छा लिया वो आराम से रह रहा है, का तुम थोड़े रहोगे। तब तो उस बया पक्षी ने कह दिया था बंदर से, अब ये उसकी भूल थी, जिसको नहीं रुचता उससे नहीं कहना चाहिए भैया कि तुम्हारे आदमी जैसे हाथ पांव हैं, हम पक्षियों को देखो घोंसला बना के लोग आराम से रह रहे हैं और तुम भैया काका तो आदमी जैसे हाथ पांव और ऐसे ठंड में कपे रहे हो। बोले ए क्या बकता है, चुप रहता है कि नहीं रहता, हम तो तुम्हारे भले के लिए कह रहे, बड़ा आया भला करने वाला बताऊं मैं, उठा करके नोच दिया।
ले अब ठीक रहा। चिकित्सा विज्ञान में भी लिखा है असाध्य रोग की चिकित्सा न करे रोग वैद्य। वो दंड लोगों के एडमिशन नहीं होते स्कूलों में, कुपात्र दान नहीं होता। क्यों नहीं होते बता, क्यों नहीं होते? कुदान और कुपात्र दान क्या है? दुख का कारण होता है। दृष्टांत बोलो। सत्पात्रों को दान देना, भक्ति से दान देना कल वृक्ष की शोभा के समान है। शोभा भी है और छाया भी है, सुख भी है। और कुपात्र दान देना, कुदान देना ऐसा है जैसे मुर्दे की शोभा। विमान मुर्दे का बना बढ़िया सजा करके नाचते गाते जा रहे और भीतर में रो रहे बेचारे। धन को अंधकूप में पटक देना श्रेष्ठ है, परंतु कुपात्र दान नहीं देना चाहिए। युद्ध क्षेत्र की कोई नियमावली पता है आपको? अगर शत्रु क्या नाम अगर से शत्रु पर विजय नहीं हो रही हो तो अपनी बारूद को खत्म कर देते, आग लगा देते खुद। शत्रु के हाथ में पड़ेगी तो वो हमें बर्बाद करेगा, हमारे राज्य को। हमारे देश की नारियां सील के हैं, सीलवती नारियां शत्रु के हाथ में पड़ने से पहले आग में कूदना पसंद करती हैं। हम भक्ति करते हैं, भक्ति का महत्व तो नहीं है। किसकी भक्ति करते हैं, कैसी भक्ति करते हैं, भक्ति करते समय परिणाम कैसे? स्वाध्याय भी एक क्रिया है। जैसे भक्ति क्रिया है दान क्रिया, ऐसे स्वाध्याय भी एक क्रिया है। और जैसे भक्ति आदि मोह को घटाने के लिए है, मोह मिटाने के लिए है, ऐसे ही स्वाध्याय भी मोह घटाने के लिए और मोह मिटाने के लिए है। मोह घटाने और मिटाने दो शब्द क्यों कहे? वर्तमान में मोह घटाने का कारण है और आगामी समस्त कसायों के मिटाने का साधन है। वो आदर्श वितराग को बनाया ना, इसलिए विचार करना भाई। परिणाम का सुख दुख परिणाम अनुसार होता है, अपने परिणाम अनुसार, दूसरे के परिणाम अनुसार नहीं। तुम्हारे परिणाम की फल तुम भोगोगे, इनके परिणाम का फल ये भोगेंगे। एक पिता के दो पुत्र हैं, मरभूति और कमठ। कमठ अपना परिणाम का फल भोग रहा है, मरभूति अपने परिणाम का फल भोग रहा है। बताओ, ऐसा तो नहीं है दोनों एक पिता के पुत्र हैं तो दोनों चलो एक सा फल भोगेंगे? एक गुरु के अनेक शिष्य हैं, अपने अपने परिणाम के अनुसार फल भोगते, अपने अपने परिणाम से कार्य की सिद्धि होती है। प्रबल कारण अपना परिणाम है, अंतरंग कारण अपना परिणाम है। इसलिए टोटरमल जी ने पीछे लिख चुके सातवें अधिकार में, परिणाम बिगड़ने का भय रखना और परिणाम सुधारने का उपाय करना। डर लगता है, डर लगता है तो अपराध छोड़ दो, डर नहीं लगेगा। उस शिष्य ने यही कहा था, बाबा जी अब डरने की कोई बात नहीं, डर तो हम कुआ में फेंके आए। डर लगता है, कोई कचुकाए नहीं, कोई हमें टोंके नहीं, ये डर लगता है। टोंकने का काम नहीं करे, परिणाम न बिगड़े, ये डर नहीं लगता। अप्रभाव न हो जाए हमारे निमित्त से, ये डर नहीं लगता। साहब ना आ जाए, साहब ना देख लें, अरे ऐसे काम करते क्यों जो साहब ना आ जाए, साहब ना देख लें। ईमानदारी निर्भय बनाती है, सत्य निर्भय होता है। करे जो अपराध वह ससंकित जग में फिरे, भयभीत कौन रहता है? अपराधी जीव। और जब तक अपराध रहेगा तब तक भय रहेगा। अब भूल ये है, भय का कारण तो हमारा स्वयं का अपराध है और भय का कारण मानते हैं हम परद्रव्य को। वो बहुत खराब अधिकारी है, बहुत खराब अधिकारी है। अरे खराब तो तुम्हारी आदत है, अधिकारी का खराब?
लेकिन वो तो ऐसा ही है, ऐसा ही है। अधिकारी को ही खराब कहेगा हमेशा जिंदगी भर, ये नहीं लगेगा गलती हमारी है। गलत आदमी गलती स्वीकार कर ही नहीं सकता, सही आदमी होगा सर गलती हो। हम दोष किए तो भारी, ये निर्दोष दृष्टि वाला बोल सकता है। सुनिए जिन अरज हमारी, हम दोष किए तो भारी, ये निर्दोष दृष्टि वाला सम्यक दृष्टि बोल सकता है, धर्मात्मा बोल सकता है, जिसे देवशास गुरु में श्रद्धा है। ऐसे श्रद्धा भक्ति नहीं उसके मुंह से ही नहीं निकलेंगे, कहा निगलेट हो गए तो नाराज हो गए, जरा जरा सी बातों में नाराज हो जाते, बस जी कहेंगे भगवान नाराज हो जाए। अरे रे प्रभु है निगलेट हो गए, उन्हें कहा निकलो आज क्लास में मत बैठो, स्कूल से हटा दिया, बता तो नहीं हटा। आज एक नेक लेट हुआ एक आदमी, कल दो लेट होंगे, परसों चार लेट होंगे, सारा अनुशासन खत्म हो जाएगा। अनुशासन प्रशासन हृदय से नहीं चलते, भावुकता से नहीं चलते, अनुशासन प्रशासन चलते हैं नारियल की भांत, अंतर में कोमलता ऊपर से कठोरता। अनुशासन प्रशासन तुमको ऊपर ऊपर ढीले ढीले नहीं चलते, कोई बुरा मान जाएगा, अरे मान तो जा, बुरा मान जाएगा तो क्या करेगा, और नहीं तो कितने, ये बता अनुशासनहीनता से कितने लोगों का बुरा होगा, आगे आएगा अध्यात्म उपदेश का निषेध करने से कितने जीवों का बुरा होगा, और कितने लोग अगर स्वच्छंद हो गए दो चार नहीं समझने वाले तो उनका ही बुरा हुआ, और क्या बुरा हुआ, पहले भी स्वच्छंद थे अब भी स्वच्छंद थे, स्वच्छंदता का पोषण हो गया उनको, क्या फायदा, टूट जाएंगे तो टूटे तो हैं ही, यहां रह के कौन पुण्य बांध रहे, घर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या बुरा हो यार, कुछ नहीं बुरा हो, यहां रह करके भी है जलते भिन्न कमल हो तो बताओ घर जाकर के क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा। भैया ये राजी करने का मार्ग बिल्कुल नहीं है, स्वाध्याय हो चाहे भक्ति हो चाहे दान हो चाहे, सारी क्रियाएं अपने परिणामों के माध्यम से ही जीव को फल देती हैं। उपवास हो लंघन हो कितना अंतर है बताओ, कितना अंतर है, पुरुषार्थ सिद्धि पाए में अहिंसा के प्रसंग में कहा, एक जीव को वही अहिंसा हिंसा का फल दे रही है और एक जीव को वही हिंसा का फल दे रही है, ये क्या मतलब, मारने का अभिप्राय है और नहीं मर पाया तो अभी हिंसा हो रही, और मारने का अभिप्राय नहीं है और मर गया तो अभी हिंसा, हिंसा भी अहिंसा और अहिंसा भी हिंसा हो गई, ये क्या मतलब है, एक करे और अनेक उसके फल को भोगते हैं, अनेक एक करे और फल अनेक को भोगे, और अनेक करें और फल एक भोगे, देखने में आता है। लोक में भी बंदूक को सजा तो नहीं होती, सजा होती है आदमी को उस हिंसा के अभिप्राय वाले को, बंदूक को सजा कहां होती बोलो आप, बंदूक तो जब्त तो हो जाती है, मैंने बंदूक खत्म हो गई तुम्हारी, लेकिन सजा किसको, विचारना। देखो दूसरों को गिरते देख करके स्वयं समझ जाए वही विवेकी है, और स्वयं गिरे और फिर खड़ा हो जाए और तो अभी न संभले तो कोई विवेक नहीं है, ठोकर खाकर के भी नहीं समझे तो उससे तो बड़ा क्या होगा, देखो 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 जीवों की दशा, देखो जीवों की दशा, अगर पैसा पर भरोसा हो तो बड़े बड़े पैसा वालों को देख लो पीछे से क्या दशा हो रही, अगर बुद्धि वालों का भरोसा हो तो बुद्धि वालों को देख लो क्या हो गई, कर्तृत्व वालों को हम सबका कल्याण कर देंगे तो
उनको देख लो क्या दशा हो रही। सीखना सीखो, हमारे ऋषियों ने, हमारे तीर्थंकरों ने बिजली की चमक से बैराग लिया था, सफेद बाल से सीखा था। इसलिए नीतिकार ने लिखा, अज्ञानी ज्ञानी से भी उतना नहीं सीखता जितना ज्ञानी अचेतन पदार्थों से सीख लेता। अज्ञानी अचेतन से सीख लेगा, ज्ञानी और अज्ञानी ज्ञानी से भी नहीं सीखेगा। हमें सीखना ही नहीं है, हमने जो धारणा बनाई, जो समझ दिया सो समझ दिया, बस पैसे चलना करना, हमें क्या लेना देना। सामने नहीं करने देंगे, छिपा छिपा करके करेंगे, या नहीं करने देंगे कहीं और जाकर करेंगे, करेंगे हम यही। भैया तुम्हारी खुशी है, तुम्हारी खुशी है, हम क्या करें। सभी ने कहा था ना, बाह्य संयोग सुविधाओं के, बाह्य साधनों के भरोसे मत बैठे रहो। ये अध्रुव हैं, विनाशिक हैं, अपना हित करना हो तो कर लेना जल्दी से, अवसर तो चला जाएगा, संसार में परिभ्रमण होगा। ये बिल्कुल दिमाग से निकाल देना, कुछ नहीं होता, कोई कुछ नहीं करता, बिल्कुल सही है, लेकिन तुम्हारा कोई कुछ नहीं करता लेकिन अपने परिणामों से, अपने अध्यवसानों से बंद होता है निरंतर। कर्णान योग सापेक्ष द्रव्यान योग रहना चाहिए, द्रव्यान योग सापेक्ष चरणान योग रहना चाहिए, है प्रथमान योग चरणान योग कर्णान योग सापेक्ष प्रथमान योग होना चाहिए, सापेक्ष में और चलते ही है। एक ज्ञानी के जीवन में चारों अनुयोग हैं, एक ज्ञानी के जीवन में चारों अनुयोग हैं। उसके सिद्धांत का विषय कैसा है, वो द्रव्यान योग है। आचरण की क्रिया कैसी है, वो साक्षात चरणान योग है। अगर तुम्हारी समझ में किताब में से, शास्त्र में से पढ़ करके नहीं आती, इरिया समिति किसे कहते हैं, तो मुंडराज को चलते हुए देख लो, इसको कहते इरिया समिति। समता किसे कहते हैं, देख लो यशोधर मुंडराज को, पार्श्वनाथ भगवान को देख के समझ लो, इसको कहते समता। परिभाषा नहीं समझ में आए तो रहने दो, देखो इनको देख करके समझ लो, समता इसको कहते हैं। तुम क्या समझोगे समता। देखो मान कथा किसको कहते हैं, अग्नि में जलना मंजूर किया उसे सर्प ने, विष ग्रहण करना मंजूर नहीं है, अग्नि में जल जाएंगे, विष नहीं मंजूर। माने आप देख लो ना, इसको अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं है, उसका इंद्रिय ज्ञान भी मिथ्या है। अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट होने पर इंद्रिय ज्ञान भी वैराग का निमित्त बन जाता है। इसलिए ज्ञानी का जो इंद्रिय ज्ञान है वह भी सम्यक ज्ञान कहलाता है, मिथ्या ज्ञान नहीं कहलाता। क्यों, इंद्रियों से जो देखता है वो देख करके भिन्न देखता है, हे को हे देखता है, उपाधेय को उपाधेय देखता है, वहां से ज्ञान वैराग ग्रहण करता है। ये नहीं है अंधे होकर देख रहे, बस देख रहे। ऐसा इनकी निंदा कर हो रही है तो ऐसा काम हम करेंगे तो हमारी भी निंदा होगी, बस ये देख लेता है, ये समझ लेता है। अगर हमने ऐसा काम किया तो हमारी भी यही दशा होगी। कोई निबंध पढ़ा, आज जैन समाज पर जितनी संपत्ति लोग समझते हैं उतनी संपत्ति भी नहीं रही। सही बात तो ये है, संपत्ति भी और लोगों के पास बहुत पहुंच गई, जैनों के पास कम रह गई है, समझना। और जितनी है भी वह इनके व्यसन न होने के कारण से, इनके घर में व्यसन नहीं है, इनके जीवन में व्यसन नहीं है, पाप नहीं है, क्रूरता कठोरता नहीं है, निर्दयता नहीं है, प्रदर्शन नहीं है। और जिस दिन ये व्यसन घुस गए इनके घर में, समझ लो इनकी संपत्ति भी वही दशा होगी। अगर आप चोरी करने लगे तो चोर की जो दशा होती है वो आपकी होगी, अगर अनाचार हुआ तो अनाचारी की जो दशा हो रही है उसको जैसे गालियां लोग देते वैसे तुम्हें देंगे। ये बपौती नहीं है धर्म,
बपौती नहीं है। झंडी किसकी खड़ी रही? नहीं, हम तो भैया जे हैं सो हम जे ही ऐसे ही रहे हैं, ऐसे ही नहीं बने रहोगे, ये दशा नहीं रहेगी। इसलिए प्रति समय सावधान रहना, भयभीत कभी मत रहना और सावधान हर समय रहना। डर लगता है तो भैया काय का डर लगता है ये सोचो, उस दोष को छोड़ना चाहिए, डर नहीं लगेगा। अच्छे तैयारी वाले परीक्षार्थी को डर नहीं लगता, चाहे जब परीक्षा हो जाए, चाहे जहां बैठा दे, चाहे जिसकी ड्यूटी बढ़ जाए, हमें क्या फर्क है, हमें कौन नकल करने, हम तो तैयार रहते हैं बैठ, हमें क्या करना, चाहे यहां भेज दो हमको, हमको कोई डर नहीं है। कैसे लिखा होगा भजन, हमको कछु डर ना रे, जान लियो संसार हमको कछु भय ना रे, जो निगोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष मधार, नीचे भेद कछु भी नाही भेद गिनत संसार, हमको कछु भय ना रे। हमारे सुख में विघ्न करने वाली हमारी बहिर्मोह दृष्टि ही है, अमृतचंद स्वामी का वाक्य है ये, अमृत है ये। कितने ही उपसर्ग होते रहे, कोई कुछ भी करता रहे, हमारी मोह दृष्टि के बिना हमारा कोई बिगाड़ नहीं करने में समर्थ। विचार करो मुनीश्वरों पर तीर्थंकरों पर इतने इतने उपसर्ग किए, क्या बिगाड़ हुआ उनका? को प्यो सुकमठ निज बैर देख, इन करी धूल बरसा विशेष, प्रभु तुम छाया नहीं भईहीन, सो भयो पाप लंपट मलिन। वह पापी ही कर्म रस से मलिन हुआ, वह धूला उसके माथे पड़ी, हे भगवान आप कहां मलिन हुए, आप कहां मलिन हुए। गर्जंत घोर वन अंधकार, चमकंत बेजु जल मुसलधार, मुसलधार बरसा, अंधकार छा गया एकदम काली घटा और पानी मुसलधार बरस रहा है। हे पार्श प्रभु आप कहां डूबे, धर्मेंद्र आ गया ऊपर बोलो, उसने ऊपर से छत लगा लिया, सिंहासन लगा, विराजमान ऊपर चढ़ गए, आप कहां डूबे। वही भव समुद्र में डूबा, इस परिणाम का फल हमें ही लगेगा, ये सोच लेना, ये समझ लेना। समझना खुद को कर पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं समझा सकता। तो भक्ति दान स्वाध्याय इनमें अंतर क्यों करते हो? आज लोगों की यही दशा हो रही है, मूढ़ों की, केवल भक्ति के नाम पर स्वाध्याय का निषेध करेंगे, स्वाध्याय के नाम पर भक्ति का निषेध करेंगे, पार्टी का बांध, ये भक्ति वारे है, ये स्वाध्याय वारे है। स्वाध्याय वाले भक्ति हो जाएगी, उसके बाद आएंगे घुसेंगे, और भक्ति वाले स्वाध्याय शुरू हुआ सोई बाहर हो जाएंगे, फिर क्या बैठे बातें करते रहे। मैंने विकथा की, विकथा जितनी भी वैल्यू स्वाध्याय की नहीं है, और इन्हें भी अपनी विकथा और प्रमाद से कितनी वैल्यू भी भक्ति की नहीं है। अरे जिसके हृदय में भक्ति नहीं उसको स्वाध्याय नहीं होता, और जिसको स्वाध्याय नहीं होता उसको सच्ची भक्ति नहीं होती, सच्ची भक्ति ज्ञानी को होती है। हे होने वाले बच्चे को अध्यापक की क्या महिमा आएगी, है? जिसने टॉप किया वो भक्ता हुआ आएगा, गुरुजी रेंट आ गया, है? जिसको वैद्य की औषधि से जीवन दान मिला है उसको वैद्य की महिमा आएगी, जिसको जो मरे गया उसको क्या महिमा आएगी। ठीक है वो होशियार बैठे, हम का कहें, हमें तो कुछ फायदा मिलो नहीं, ये नहीं मालूम हमको फायदा नहीं मिला वो हमारे कुपथ के कारण, हमारे अभिमान के कारण, हमारी लापरवाही के कारण, ये बहुत बड़ा पाप है।
ये समझो हमारे देश में हमारे यहां भी ऐसा ही बहुत होता है। कोई वैद्य आया, शिविर लगा और सबने दिखाया, पर्चा बनवाए और धर लाए। दूसरा आया, उसको दिखाए, पर्चा धर लिए। क्यों भैया, पर्चन से इलाज थोड़े और हो, पर्चों से इलाज होता है। वो दवाई बना दी हो भाई, फुर्सत नहीं है, हमें होगी तो उठा ले जाए, ऐसे इलाज होते हैं। दवाई देने वाला और देखने वाला नहीं मिलेगा कोई। रोग होगा और चिकित्सक नहीं मिलेगा, दवाई नहीं मिलेगी। दुरुपयोग मत करना कभी। अब उन्हें दवाई दई सो हमने ले रही और वो हम खाते नहीं सो हमने धर दई। अरे उससे कह देती जी दवाई हम नहीं खाएंगे, दूसरी बता दो आप हमें। अबे नाराज हो जाती, वाह जे बढ़िया काम रास्ता है, कौन पैसा लगे, कौन मुफ्त हो, पैसे ही पैसा केवल तुमको दिखेगा, केवल फल कौन भोगेगा। तो भैया स्वाध्याय और भक्ति को अलग मत करना। अरे हम क्या कहें, सदा सुखदास जी ने तो भैया ये लिखा है श्राव का चार में, अरंत भक्ति और सम्यक दर्शन में नाम भेद है। उपचार का कथन है, व्यवहार का कथन है। यद्यपि सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन है, भक्ति भक्ति है और व्यवहार भक्ति अलग है, निश्चय भक्ति अलग है, लेकिन ये लिखा है अरंत भक्ति और सम्यक दर्शन में नाम भेद है, कोई भेद नहीं। क्यों, भक्ति जिसको श्रद्धा नहीं है भक्ति का करेगा, और श्रद्धा नहीं है भक्ति कर रहा है तो उसकी भक्ति में क्या दम है, कामना पूरी हो गई सो चला जाएगा और कामना नहीं पूरी हुई सो गाली देगा। अज्ञानी अपना दोष देखना जानता ही नहीं है, कामना पूरी हो गई तो हमारा काम बन गया और नहीं वही तो इनमें कछु है नहीं। भैया विचार करना, परिणाम पर नजर रखना। तो स्वाध्याय तो अंतरंग तब है, और कर्णन योग का स्वाध्याय तो सूक्ष्म उपयोग करता भी है, यहां तो बहुत निर्मलता आती है। इसलिए बुद्धि प्रमाण अपने समय को शक्ति को स्वाध्याय में, कर्णन योग के स्वाध्याय में भी लगाना, कर्णन योग के स्वाध्याय में भी लगाना, बुद्धि को छिपाना नहीं, बहाने बनाना नहीं। प्रमाद से सुख बहुत कठिन है भैया, बेकार अपन अपनी समझ में नहीं आता, नहीं कुछ बातें नहीं समझ में आए तो भी कोई बात नहीं, जितना समझ में आएगा उतना समझना, लेकिन ये तो समझना कि ये ठीक बात समझने लायक, ये आत्मा की विराधना और ये आत्मा की आराधना का फल दो में है, समझना समझ लेना भैया। विचारना, अनादर करने से निषेध करने से तो तेरा कैसे भला हो पाएगा। पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान तक है घटता हुआ अशुपयोग होता है, क्या कहा, घटता हुआ अशुपयोग, बढ़ता हुआ शुभोपयोग चौथे से छठवें तक। पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान तक तो घटता हुआ अशुभोपयोग होता है, मतलब हमारा विषय अनुराग घटना चाहिए तब यहां लग पाएंगे धर्म मार्ग, और जब धर्म मार्ग में लगेंगे तो बढ़ता हुआ धर्मानुराग होगा, बढ़ेगा हमारा, दिन दूना बढ़ता जाएगा, दिन दूना बढ़ता जाएगा। जैसे जी कपड़े हैं तुम्हारे हैं कोरे कपड़े, जैसे जैसे धोबत जाएंगे तैसे साफ निकट जाएंगे, जैसे जैसे धोबत जाएंगे साफ निकट जाएंगे, और वे तुम्हारे बढ़िया सुपर फाइन के कपड़े, और जैसे जैसे वे हो जाएंगे सो वैसे पत्ते जाएंगे, मैले पत्ते जाएंगे। मूलों का जितना भी परिचय होगा उतनी अवज्ञा होगी, और ज्ञानियों का जितना परिचय गाढ़ होता जाएगा उतनी प्रीति गाढ़ होती जाएगी, ये समझ लेना चाहिए। परम सत्य बात है, एक वचन का भी जो असर ध्यान करता है जिन वचनों में, वह सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, मोक्ष मार्गी नहीं हो सकता। सबका असर ध्यान करे उसकी बात तो बहुत अलग है, लेकिन एक वचन का भी जो असर ध्यान करता है वह सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। और तो बातें सब अच्छी हैं, एक जी बात बहुत खराब है।
ये बातें, ये तुम्हारी दृढ़ अकल है। जिसको तुम खराब कह रहे हो वही अच्छी बातों का आधार है। एक दृष्टांत बताया था, बता कोई दृष्टांत। मुनराजों की, तुम्हारी जैन मुनियों की और बातें सब अच्छी हैं, लेकिन ये नग्न रहते ये खराब है। नग्न नहीं रहेंगे तो अहिंसा नहीं पड़ेगी, सत्य नहीं पड़ेगा, अचौर्य नहीं पड़ेगा, शील नहीं पड़ेगा, ब्रह्मचर्य पर महाव्रत नहीं होगी। एक भी महाव्रत नहीं होगा नग्नता के बिना। अनुव्रत होंगे, महाव्रत नहीं होंगे, ध्यान रखना। जितनी अच्छी बातें तुम कह रहे हो, ये बातें बहुत अच्छी हैं, उनका आधार ये तुम कह रहे हो जो सब ये बहुत बुरी है, हाँ ये समझ लेना। और बातें बहुत तो सब बढ़िया बातें हैं, बढ़िया व्यवस्था है, बढ़िया सब काम है, अनुशासन बहुत कड़क है, अनुशासन कड़क है वही तो बढ़िया बातें हैं। सारी बढ़िया बातों का आधार ये है, अनुशासन कड़क है। और उस अनुशासन को मेटोगे तो एक भी बात बढ़िया नहीं रहेगी कल। ये बड़ी बात ध्यान रखना, गांठ बांध लेना ये बात। और तो बातें बढ़िया हैं, ये भैया यहाँ बिजली नहीं है तो जैसे तो शांति है यहाँ। अगर ये 24 घंटे बिजली रहने लगी और भीड़ भड़का हो गया और गाड़ियां दौड़ने लगी और तमाम जी तुम्हारे नाटक और ये लग गए तुम्हारे का बनते हैं टावर फावर, समझ लो वही दशा तुम्हारी होगी जो शहरों की है। ये नहीं समझ रहे जिसको हम घटिया समझ रहे हैं वही हमारी बढ़िया चीजों का आधार है। जिसको तुम कड़वा कह रहे हो वही हमारी बीमारी मिटाने वाला है। मीठा मीठा बीमारी नहीं मिटाएगा, कड़वी औषध बिन पिए मिटे न तन की ताह। गुरुवत स्वामी कहते भैया विषयों की रुचि के कारण तो ये तेरी मोह की तीव्रता प्रमाद की तीव्रता के कारण ये जिन उपदेश कठिन कड़वे लगते हों तो अभी औषधि के समान जान करके पान करना, इनके बिना तेरे भवरोग का अभाव नहीं होगा। भवरोग के अभाव की एकमात्र औषधि है ये जिन वचन। पंचम भाव की भावना परमार्थ हो गया, जिन वचन व्यवहार हो गया। ओम नमः ओम नमः ओम नमः। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, आनंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप।